वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, दिवस शेष में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? नौ अंतरराष्ट्रीय वेट शेविंग उत्पादों की सीरीज में एक और नया प्रोडक्ट आज मैं लेके आया हूं, जिसको इंटरनेशनल वेट शेविंग कम्युनिटी में बहुत ही रिस्पेक्ट या सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और ये प्रोडक्ट एक शेविंग क्रीम है और ये बिलोंग करती है स्कॉटलैंड को। तो जल्दी से मैं उसके आपको दर्शन कराता हूं, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूं और एक शेविंग डेमो सिर्फ आपके लिए। सो आज जो शेविंग क्रीम मैं लेके आया हूं, सो आपने पढ़ लिया होगा कैसल फोर्ब्स, और जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है लाइम एसेंशियल ऑयल शेविंग क्रीम। तो बेसिकली इस लाइम शेविंग क्रीम और ये कैसल फोर्ब का लोगो सिंबल कैसल फोर्ब्स स्कॉटलैंड। तो जल्दी से पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और यहाँ पे पीछे जो है इसमें इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी गई है। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, टोटल जो है इसमें कंटेंट है 200 ml, दैट मीन्स 6.8 ounce। और इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें है वाटर, जिसको एक्वा कहते हैं, स्टेरिक एसिड, अलो या एलोवेरा, मिस्टरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, कोकोनट एसिड, डाइप्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, सिट्रस, ऑरनिफोलिया, और ब्रैकेट में इसको लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइम एसेंशियल ऑयल, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, सिट्रल, ग्रामिनॉल, लिनेनॉल और भी ना जाने क्या क्या। एंड इट इज मेड इन स्कॉटलैंड। सो दिस इज द पैक, इसको अनबॉक्स करते हैं। सो दिस इज द ब्यूटिफुल टब। सो फ्लोरोसेंट ग्रीन में ये सब इन्होंने लिखा है यहां पे, और टब की क्वालिटी अच्छी है, इट्स हार्ड प्लास्टिक बाय द वे। एंड इट इज कवर्ड विथ अ लिड, और लिड को खोलने के लिए यहाँ पे आप इसको ऐसे लिफ्ट कर सकते हो, मगर मेरे से तो लिफ्ट हो नहीं रहा है तो मैं साइड से लिफ्ट करूँगा। सो दिस इज द शेविंग क्रीम, थिक क्रीमिश टेक्सचर एंड द फ्रेग्रेंस इज ऑसम। ऐसा लग रहा है कि कटे हुए नींबूओं की मेरे ऊपर बौछार कर दी गई है, और बहुत ही ऑथेंटिक जो है फ्रेश लाइम स्मेल है इसकी। एंड इट्स क्रीमिश, थिक क्रीमिश टेक्सचर है, और कंपनी का दावा है कि बहुत थोड़ी सी क्रीम में कि बहुत अच्छा लादर क्रिएट करती है। सो दिस इज द शेविंग क्रीम विच आई एम गोइंग टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। उसी के साथ आज का जो रेजर है, आज मैं पार्कर का 87R रेजर लेके आया हूँ, और यू कैन सी बाबर पोल नर्डिंग के साथ ये ट्विस्ट ओपन रेजर है, दैट इज बटरफ्लाई ओपन रेजर। और आज मैं इसमें लोड करने वाला हूँ जिलेट 7 o'clock प्लैटिनम ब्लेड, एंड दिस इज द फ्रेश ब्लेड टुडे विच आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जल्दी से इसको लोड कर लेते हैं। Another creation, I am going to use Rhubarb Men Firefly Synthetic Brush. तो चलिए शुरुआत की जाए। तो शेव करते करते थोड़ा सा कैसल फोर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स हाउ दिस क्रीम परफॉर्म्स टुडे। So I think this much is enough.
तो ऐसा कहा जाता है कि कैसल फोम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शेविंग क्रीमों में से एक है, और ये कंपनी फाउंड की गई थी 1996 में। स्कॉटलैंड में एक जगह है एबरडीन शायर, वहां पे कैसल फोम जो है एक फोम खानदान है, उनकी 6000 एकर्स की लैंड है, और ये लोग परफ्यूमरी का काम करते थे। एक दुनिया की, ये क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी परफ्यूमरी इनके पास है, और उस परफ्यूमरी से ये जो परफ्यूमरी है जो इनके 6000 एकड़ का जो फार्मलैंड है उसमें एक छोटा सा डेयरी या डेयरी फार्म हुआ करता था, वहां पे इन्होंने अपनी ये परफ्यूमरी शुरू की कैसल फोम्स के नाम से। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें शेविंग क्रीम है, पोस्ट शेव बाम्स हैं और कई तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं। ये जो शेविंग क्रीम है इनकी चार तरीके की आती हैं, एक सेडरवुड एंड सैंडलवुड, दूसरी जो लाइम जिसका रिव्यू मैं आज आपको दे रहा हूं, तीसरी लेवेंडर, और एक और शेविंग क्रीम है इनकी 1445 अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं उसके नाम से। नाउ द बेस्ट पार्ट इज दैट कंपनी ये क्लेम करती है कि ये कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, पैराबेंस फ्री है, और जो इसमें ये लोग परफ्यूम जो है डालते हैं वो प्योर एसेंशियल ऑयल्स हैं, और जो इनका लैंडस्केप है स्कॉटलैंड में उसके आसपास की फ्रेग्रेंसेस को इन्होंने कोशिश की है अपने प्रोडक्ट्स में समाहित करने की, ऐसा इनका क्लेम है। बहुत ही थिक इसका लादा बन रहा है, तो मैंने सुना है कि इसमें थोड़ा सा पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। एंड राइट नाउ आई कैन फील द जिंग ऑफ सिट्रस अरोमा। वैसे भी मेरे को सिट्रस स्मेल थोड़ी सी ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली आई एम enjoying making lather from this cream. So this cream has been voted as one of the best creams in many shaving related websites and shaving forums. So मैं भी आज पहली दफा इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। So ये क्रीम मैंने कहां से प्रोक्योर की उसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। Awesome smell, awesome fragrance. तो lime fragrance जो है हमारे अपने स्वदेशी क्रीमों की बात करें तो बहुत common fragrance है ये, गोदरेज लाइम उसमें आपको ये आ जाएगा, फिर वाइजॉन की भी एक लाइम आती है, मगर अपनी देसी क्रीमों से अगर मैं उसकी फ्रेग्रेंस ही केवल कंपेयर करूं तो बहुत ही हटके है।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो कागजी नींबू आते हैं, जो नींबू आते हैं उसको बीच में से काट के और आप उसको बस सूंघिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही ऑथेंटिक लाइम लेमनी स्मेल अभी मेरे को आ रही है। इनफैक्ट मेरा शेविंग डैम आसपास में महक रहा है, सो इट हैज अ जिंग ऑफ प्योर लाइम स्मेल। आज मैंने कोई भी प्रीशेव ऑयल नहीं लगाया इस क्रीम की स्लिकनेस को चेक करने के लिए। बाद में आगे की किसी वीडियो में बोन लेदर भी बनाएंगे इससे। सो आई थिंक दैट्स इनफ। चलिए लेट्स शेव। कॉलर आज स्टक इन नहीं किया मैंने। ओके फाइन। पाकर 87R और आज इसमें मैंने जो ब्लेड लोड किया है दैट इज जिलेट प्लैटिनम, सुपर प्लैटिनम जिसको हम जिलेट ब्लैक भी बोलते हैं। ओके फर्स्ट पास एज यूजुअल विद द ग्रेन। सो ये जो कैसल फोर्ब्स की लाइम क्रीम है, ये क्रीम ये दावा करती है कि आपको किसी भी तरीके से कट, किसी भी तरीके के कट और निक से आपको बचाएगी। और वो कैसे बचाएगी ये मैं नहीं कह सकता, आई डोंट नो क्या वो हीलिंग का काम करेगी या आपको इतना बेहतरीन रेजर ग्लाइड देगी, ऐसा कहीं मैंने इनकी वेबसाइट में पढ़ा नहीं है। बट एक चीज मैं कह सकता हूं शानदार क्रीम है। इतनी जल्दी कैसे कह रहे हो सर आप शानदार है, सिर्फ इसकी स्मेल की वजह से। इतनी बेहतरीन लाइम स्मेल किसी भी शेविंग उत्पाद में, चाहे वो आफ्टर शेव लोशन हो, चाहे वो शेविंग क्रीम हो या सोप है, मैंने स्मेल नहीं किया। So you can see the gunk. तो आज की जो बियर्ड मेरी थी वो 2 दिन पुरानी थी। शानदार स्लिकनेस, बेहतरीन परफॉर्मेंस।
गर्मियों का मौसम ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। इस सीजन के लिए आई थिंक ये क्रीम बेहतरीन रहेगी। अगर आप वेट शेविंग एंथुजियास्ट हैं और कई तरह के क्रीम्स और सोप को आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक चीज जो मैं करता हूं वो करा करिए, जब भी कभी आप डाउन हो या थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आए, तो आप कुछ मत करिए, अपनी शेविंग डेन में या आपके ड्रॉअर में जहां पे भी आप अपने ये क्रीम्स और सोप रखते हैं उनको खोल के सूंघ लीजिए, एरोमा थेरेपी का काम करेगा। तो बहुत सारी ऐसे शेविंग क्रीम्स और सोप्स हैं मेरे पास जिनको अक्सर मैं जाके बीच में स्मेल करता हूँ। पिंकफुल के तो सारे सोप्स ही हैं जिससे आपको परफेक्ट एरोमा थेरेपी मिलती है। सेकेंड पास कुछ सब्सक्राइबर भाइयों ने, कुछ सब्सक्राइबर मित्रों ने मेरे से गुजारिश की है कि मैं ये जो विदेशी शेविंग प्रोडक्ट्स अब रिव्यू में रख रहा हूँ उनको कंपेयर करूँ अपने देसी प्रोडक्ट्स के साथ, तो जल्दी मैं इस तरह के कंपैरेटिव वीडियोस भी डालूंगा। इस रेजर को मैं मीडियम एग्रेसिव लेवल में रखूंगा, मगर बहुत अच्छी शेप बनाता है। पाकर रेजर्स में एक 91R और एक 87R, ये दोनों मेरे फेवरेट रेजर्स हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट BBS क्वालिटी शेव। सो दिस रेजर हैज रिमूव्ड स्टबल वेरी वेरी एफिशिएंटली। लेट मी अप्लाई दैट ऑन। बेहतरीन शेव, फुल्ली सेटिस्फाइड एंड वेरी स्मूथ एंड फीलिंग सो रिफ्रेश्ड वे जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ दिस क्रीम। ओके फाइन, सो लेट्स कम टू द आफ्टर शेव पार्ट।
So today I am going to use Old Spice Fresh Lime. तो वैसे तो इस क्रीम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कैसल फोब का आफ्टरशेव बाम आता है, मगर वो मेरे पास अभी नहीं है. सो आई एम यूजिंग ट्राइड एंड टेस्टेड ओल्ड स्पाइस फ्रेश लाइम. इस आफ्टर शेव की जो फ्रेश लाइम स्मेल है वो इस क्रीम जैसे बिल्कुल नहीं है. सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी बाम. सो अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट के कॉस्ट क्या है, तो इट नियरली इन द रेंज ऑफ 37 to $40. सो इट्स अ कॉस्टली प्रोडक्ट डेफिनेटली. तो अगर इसको केवल मैं यूज करूं तो इसको खत्म करने में पूरा मेरे को केवल इसी को अगर यूज करूं तो साल भर लग जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा दी है इसमें. एंड क्या ये बहुत ज्यादा फर्क है हमारी आम साधारण शेविंग क्रीम से? जी हाँ है. तो जो लग्जरी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये शेविंग क्रीम प्रोवाइड करती है, और इसको भी उसी पायदान में रखा जा सकता है जहाँ पे यू नो ट्रूफिट एंड हिल या टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट की जो शेविंग क्रीम्स आती हैं. सो आई एम हाईली सेटिस्फाइड विथ माई फर्स्ट शेव टूडे, बट धीरे धीरे और इसको मैं यूज़ करूँगा. बोल लेदर बना के भी इसको देखेंगे कैसे ये परफॉर्म करती है. बट ओवरऑल अगर आपको केवल इसीलिए खरीदना है कि इसकी स्मेल इतनी शानदार है, तो गो फॉर इट. बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर यूजिंग ओरिजिनल नो ऑयल्स, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस वाइज आई विल गिव इट 10 out of 10. व्हेन इट कम्स टू प्राइस वाइज, तो लग्जरी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ यू नो प्रीमियम. बट फिर भी अगर मनी की बात करें तो आउट ऑफ 10 आई एम गोइंग टू गिव इट 8. तो डेफिनेटली इट्स नॉट वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू कीप इट इन योर शेविंग डेन आई विल हाईली रिकमेंड इट. और ये अपना देसी रुबाब मैन फायरफ्लाई नो सिंथेटिक शेविंग ब्रश हर बार बहुत बेहतरीन लादा बनाता है ये. और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस पर कोई भी आपको ब्रेकिंग और ये सब करने के झंझट ही नहीं है, और टोटली जिसे कहते हैं कि आप इसको बस धोइए और पानी में आपको बहुत देर भिगाने की भी जरूरत नहीं है. नो नॉनसेंस प्रोडक्ट, फंटास्टिक. एंड जिलेट 7 o'clock जो सुपर प्लैटिनम ब्लेड है, मेरा फेवरेट है, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है. एवरी टाइम इट गिव्स मी टोटल सेटिस्फैक्शन. पाका 87R वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. It performs every time very well, and of course tried and tested Old Spice Fresh Lime. So इस aftershave की smell जो है वो बिल्कुल भी इस cream से match नहीं खाती, मगर compliment करने के लिए आज कोई और मेरे पास aftershave था भी नहीं. तो दोस्तों आपको आज के इस video session में मज़ा आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ. अगर आपको मज़ा आया तो please 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 likes करिए और share करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने relatives के साथ जिनको shaving का शौक है, और अपना प्यार और अपना स्नेह इसी तरह से बना के रखिए मेरे साथ. तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपने शेविंग वीडियो में, या कहूँ तो शेविंग सेशन में. और तब तक के लिए एज यूजुअल मेरी वही पंच लाइन, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने गोल्स पे वर्कआउट करते रहिए और शेविंग करते रहिए, मुस्कुराते रहिए. दैट्स ऑल. टाटा बाय बाय. जय हिंद.